जय भोले, हर हर महादेव। ये देखिए, फाइनली 1 जुलाई का हमारा श्री अमरनाथ जी यात्रा का रजिस्ट्रेशन आज हो गया है और ये नियरेस्ट लगातार बैंक था, इसी में हुआ था। और ये देखिए, कम्प्लीटली हम 3 लोगों का हो गया, ठीक है। जो हमने रजिस्ट्रेशन करवाया, इसके लिए हमने पहले से मेडिकल करवाया था, जो बैंक ब्रांच है यहाँ से थोड़ी ऊपर है। तो आप सभी को बता दें, जय भोले जी की, और 1 जुलाई को अमरनाथ जी यात्रा पर हम जा रहे हैं। तो अगर आप भी आ रहे हैं तो ज़रूर आइए, हमारे परमिट तो बन गए हैं। अगर आप भी श्री अमरनाथ जी यात्रा 2023 पर आ रहे हैं तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ यह है कि श्री अमरनाथ जी यात्रा का जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हुआ है और इसके लिए कई सारे तीर्थयात्रियों को अब 1 तारीख के यानी कि 1 जुलाई के 1 जुलाई के रजिस्ट्रेशन अवेलेबल नहीं होते होंगे क्योंकि वह सारे स्लॉट्स बुक हो गए। ये भी आप सबको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपने 1 जुलाई के स्लॉट्स बुक करवा सकते हैं। और साथ ही देखिए, जो अभी हमारे पास परमिट है, ये आप सबको पता होगा कि ओल्ड परमिट है, ठीक है। ऐसे परमिट अब नहीं दिए जा रहे हैं बैंक में, तो ये क्या परमिट चलने वाला है या फिर नहीं चलने वाला है। साथ ही आप सबको ये भी डिटेल्स देने वाला हूँ कि इस परमिट को लेकर क्या अपडेट है, और जो आपके पास न्यू परमिट है जिस पर आपकी आधार कार्ड की फोटो है उसको लेकर क्या अपडेट है। साथ ही सब कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो की मदद से देंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। आप सभी को बता दें, जिन बैंक ब्रांचेज में ये कुछ ओल्ड परमिट्स बचे थे उन तीर्थयात्रियों को इशू किए गए हैं, पर जो न्यू प्रोसेस है वो भी कंपलसरी है। अब वही है, ये ओल्ड परमिट जिन भी बैंक में ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद किसी भी तीर्थयात्री को ये नहीं मिलेंगे, ठीक है। हमारे जो बैंक शाखा थी जम्मू कश्मीर में, रामबन की स्टेट बैंक जो थी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बैंक ब्रांचेज में रजिस्ट्रेशन होता है, इसी कारण यहाँ पर पेंडिंग में कुछ परमिट्स रह गए थे, इसीलिए हमें ये परमिट इशू करवाए गए। तो आप सभी को बता दूं कि आपने परेशानी बिल्कुल भी नहीं लेनी है जो भी आपको परमिट मिले, क्योंकि जो परमिट आपको बैंक द्वारा जारी किया जाता है वो पूरी तरह से वैलिड ही रहता है। तो परेशानी मत लीजिए कि ओल्ड परमिट क्या है और न्यू परमिट क्या है, ये दोनों आपके परमिट जो हैं वो पूरी तरह से वैलिड माने जाते हैं। साथ ही आप सभी को बता दें कि अमरनाथ जी यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्री अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं। जैसे कि पहले मैंने आप सभी को कई सारी वीडियोज़ में कह दिया है कि अमरनाथ यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए जो मेडिकल रजिस्ट्रेशन होता है जो होता है उसके लिए श्री अमरनाथ जी की श्राइन बोर्ड की जो फिल वेबसाइट है उस पर दिया जाता है पूरी तरह से अपडेट। इस वेबसाइट का लिंक मैं आप सबको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही अपने डॉक्टर्स की लिस्ट चेक करिए, बैंक ब्रांचेस की लिस्ट चेक करिए, उसके बाद अपना मेडिकल चेक करवाइए। अगर आपको नहीं आ रहा ये करना तो मैं आप सबको बता दूँ, चैनल पर जाकर जरूर चेक कर ले वीडियो, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियोज अपलोड किए हुए हैं। तो फाइनली मेरा रजिस्ट्रेशन 1 जुलाई का हो गया, 1 जुलाई का हो गया, और इसके लिए मुझे बैंक में ही मिल गया, ठीक है। कुछ स्लॉट्स अवेलेबल थे और मुझे मिल गया। अगर आपको भी मिल जाएगा तो करवा दो, और मिलते हैं अमरनाथ यात्रा में। आप सभी के साथ बहुत ही बड़ी खुशी होगी अगर आप सभी से मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे भक्त मिलना भी चाहते हैं और नहीं मिल पाते हैं। तो हर हर महादेव से इस वीडियो को करते हैं अंत। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर।